नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। मोदी ने तेलंगाना को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी। सीआरपीएफ वाहन से कुचले युवक की मौत। श्रीनगर और बड़गाम में इंटरनेट सेवाएं बंद। जम्मू एवं कश्मीर में जवान ने आत्महत्या की। ट्रंप ने कहा कि किम जोंग के साथ वार्ता 12 जून को होगी। सुरक्षा परिषद में इजराइल के बचाव में अलग थलग पड़ा अमेरिका। अमेरिका के ईरान विरोधी कदमों से निपटने के लिए तैयार। करीना ने नागिन 3 के मजेदार सीक्वेंस की शूटिंग की। मध्य प्रदेश में गांव बंद का व्यापक असर। 10 जून को भारत बंद। हवाई में ज्वालामुखी के लावा से 80 से ज्यादा घर नष्ट। बिग बी आलिया और रणबीर ने ब्रह्मास्त्र की तैयारी शुरू की। ट्रंप ने बेटी इवांका के अपमान के लिए टीवी होस्ट को लताड़ लगाई। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री स्वाति सिंह की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान में 15 लोगों की मौत। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुरक्षा बलों की आलोचना, कश्मीरी नेताओं का दोहरा मापदंड। बेंगलुरु टेस्ट से बाहर हुए सहा, कार्तिक को मिला मौका।